हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म के आगे घुटने टेक दिए। वजीर कानून पंजाब का साहब सानिया मॉडल टाउन रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान, साथ ही रिपोर्ट पर सख्त तनकीद भी की, कहा रिपोर्ट नकायस से भरी पड़ी है। पूरी रिपोर्ट गैर मुसद्दिका इत्तलात पर बनाई गई। पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को किसने जमा किया और तसादुम पर किसने उभारा, रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया। सानिया की इंक्वायरी अदालत नहीं बल्कि वन मैन ट्रिब्यूनल ने की। कादरी साहब एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे मैं उनकी पहले भी और आज भी इज्जत करता हूँ। मैं कसम खा के ये कहता हूँ कि उनको सब पता है कि मौके पे हुआ क्या है। उनसे ज़्यादा कोई आदमी नहीं जानता कि वो इस मामले को पॉलिटिकल बना के जो हमारे जुम्मे लगाना चाहते हैं कि जी हमने कहा कि जाएं और जाके वहाँ पे जो है वो इस तरह का कोई इंसिडेंट कर दें, ये उनके इल्म में है कि ये हमने नहीं कहा। ताहिर अल-क़ादरी से बेहतर कोई नहीं जानता कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था। वो पूरे सानहे से आगा है। ये उनकी शान नहीं कि दुनियावी सियासत के लिए सच को छुपाएं। वज़ीर कानून पंजाब की अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी पर तनकीद, बोले मीडिया पर के बाद पूरे वाक़े का इल्म हुआ। अदालती हुक्म पर ताहिर अल-क़ादरी खुश, कहा शरीफ ब्रादरान जल्द जेल में होंगे। कहा सानहे मॉडल टाउन के बाद शरीफ ब्रादरान के पास इख्तदार में रहने का हक नहीं था। सानहे मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट 30 रोज में शाया की जाए, गैर जानिबदाराना और शफाफ ट्रायल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, रिपोर्ट की कॉपी मुतासरीन को फरहम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई। शरीफों का सियासी पोस्टमार्टम होगा, उनके पास सियासत की मजीद गुंजाइश नहीं। 30 दिन का वक्फा जबरदस्त है, इस दौरान हुदैबिया का फैसला भी हो जाएगा। शेख रशीद का मौकफ, नई मुल्क कहते हैं सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं, वो बहुत अरसे से रिपोर्ट छुपा रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में सियासी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जलसागा पहुंच गए, जियालों का जोश और जज्बा उरूज पर। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी, इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब का बयान आज भी मुकम्मल ना हो सका। कराची के इस्लामिया कॉलेज को इस्लामिक ट्रस्ट के सुपुर्द करने का मामला, सेशन जज शर्की ने हुकूमत की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी, इस्लामिया कॉलेज खाली कराने का हुक्म बाहर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से अवाम की जिंदगी अजीरन, कुलगाम में भारतीय फौजियों ने घर पर धावा बोल दिया, 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत सीज फायर की खिलाफ वर्जी बंद करें, ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से खत में मुतालिबा, कहा भारत ने रवां साल 1300 बार आबादियों पर फायरिंग की जिससे 52 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ये भी कहा कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ जवाबी कार्रवाई करती है। कतालोनिया के माजूल सदर कार्लस के वारंट गिरफ्तारी वापस लिए जाएं, स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। बगावत के इल्जामात के बाद माजूल सदर बेल्जियम में मुकीम है। आपको कहेंगे खुशामदीद, मैं हूं किरण रिस्वी। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सबसे पहले बात करेंगे सानहे मॉडल टाउन की रिपोर्ट की, जिसको लेकर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि जल्द शरीफ ब्रादरान जेल में होंगे। डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी का मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कत्लेआम करवाया हो अपने भाई साहब के हुक्म और इजाजत के बगैर। वक्त दूर नहीं है जब आप दोनों भाइयों को और अपने इनके हवारियों को जेल में देखेंगे जो कातिल हैं या कातिलों के साथी हैं।
बाकी सारे पाकिस्तान की जमात, मुसलमान नॉन मुस्लिम सब इंसानियत से मोहब्बत करने वाले आए, जमा हों, इजहार यकजहती करें। सिर्फ उनके दरवाजे पर जाके बैठे जिन्होंने कत्लेआम करवाया है और रिपोर्ट दबा के बैठे हैं, सिर्फ रिपोर्ट लेनी है। मेरा कंटेनर भी तैयार करके भिजवा दो, मैंने कोई ऐलान जंग नहीं किया, रिपोर्ट लेनी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की तामील में जाना है, तो अगर शाय कर देते हैं तो अपने आप इसका माना समझ लें, कॉल ऑफ हो जाएगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुतालबा अपनी जगह, लेकिन राणा सनाउल्ला वही सरकारी राग अलाप रहे हैं। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला ने साफ साफ कह दिया कि उनके हाथ साफ हैं। तसादुम पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की वजह से शुरू हुआ। राणा सनाउल्ला तो यहां तक कह गए कि तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल नहीं और इसमें कई खामियां हैं। वजीर कानून ने तहकीकाती रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठा दिए। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। रिपोर्ट जो है ये इनकंक्लूसिव है, इसमें किसी हकूमती पर्सनैलिटी को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस रिपोर्ट में कोई एक लफ्ज़ नहीं है जो किसी भी एक्ट के मुतल्लिक रिस्पॉन्सिबल करता हो चीफ मिनिस्टर पंजाब। इस रिपोर्ट में जगह ब जगह ये जिक्र है कि पैट के वर्कर्स की तरफ से वो रेजिस्टेंस दी गई जो कि बाद में पुलिस के साथ उनके तसादम का बायस बनी। इन मजलूमों के ऊपर जुल्म, भाई इन मजलूमों को पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए और एक लॉफुल एक्ट को रोकने के लिए इन मजलूमों को इकट्ठा किसने किया था? ये रिपोर्ट जो है ये डिफेक्टिव है इन द आई ऑफ लॉ, इररेलेवेंट एविडेंस जो है इन द आई ऑफ लॉ, उसके ऊपर जो है इस रिपोर्ट को जो है वो पेश किया गया। पंजाब हुकूमत ने अदालती हुकुम पर सानहे मॉडल टाउन रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी से। अनवार, अदालत ने कहा और कई सालों के इंतजार के बाद मॉडल टाउन रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने पब्लिक भी कर दी, बताइएगा कि रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं। अनवार हाशमी से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे हमारा राबता उनसे एक मरतबा फिर बहाल हो ताकि उनसे मजीद बात भी कर सकें। पंजाब हुकूमत ने अदालती हुकुम पर सानहे मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और जानना चाहेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी से कि रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं। पंजाब हुकूमत ने अदालती हुकुम पर सानहे मॉडल टाउन रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और इस रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं, कोशिश करेंगे रब्ता हो अनवार हाशमी से ताकि उनसे मजीद भी बात कर सकें। इससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर क़ानून पंजाब राणा सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले को सियासी बनाया जा रहा है, हमें खदशा है कि इस रिपोर्ट को गलत इस्तेमाल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से अपने मतलब की चीज़ें निकाली गई हैं। रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि कारी खुद फैसला करें। अदालती हुकुम पर मॉडल टाउन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, अहम नुकात क्या हैं रिपोर्ट के? जी देखें, ये जो रिपोर्ट हुकूमत पंजाब ने अपने महकमा इतलात पंजाब की वेबसाइट पे जारी की है, ये नजफी रिपोर्ट जो है ये 132 सफात पर मुश्तमिल है और इसमें ज्यादातर सफात जो है उस केस का बैकग्राउंड जो है वो तारीख के हिसाब से मुख्तलिफ डेटें उसमें दी गई हैं जिसके हिसाब से वाजे किया गया। बुनियादी तौर पे जैसे राणा सनाउल्ला ने बताया, अभी तक हमने भी जो रिपोर्ट के सफात देखे हैं उसमें बराह रास्त किसी की जिम्मेदारी जो है वो भी फिक्स नहीं की गई। पुलिस की गवाहियां, शवाहिद की तफसीलात दी गई है। उसके अलावा बार बार जिक्र किया गया है कि जो मीडिया पे आनेर हुई थी चीजें उनके जरिए भी जो है वो रिपोर्ट मुरतब की गई है और ये 138 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का तकरीबन 95% हिस्सा। राणा सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी बिल्कुल, उस हिसाब से तो अभी तक जितना रिपोर्ट को स्टडी किया जा रहा है उस तरह डायरेक्ट किसी पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, लेकिन ये है कि उसमें ज्यादातर पुलिस के हवाले से जो है वो चीजें बताई गई हैं कि टाइम के हिसाब से कि सुबह 8 बजे 9 बजे और 1 बजे तक क्या होता रहा, वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए कब अहकाम जारी किए और पुलिस जो इंक्वायरी के सामने पेश हुई है तो उन्होंने क्या जख्मियों के क्या बयानात कलम बंद किए हैं, इस तरीके से अभी तफसीलात जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सामने आ रही हैं। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट, पुलिस के बयानात और जो बाकी जराए के जरिए जो है वो चीजें अभी पढ़ने को हमें मिल रही हैं और बुनियादी तौर पे उन्होंने बार बार बताया कि ये आइन की जो सेक्शन 3 और 5 है और आर्डिनेंस ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस 1969 है उसके तहत जो है ये जज ने जो है ये रिपोर्ट मुरतब की है और ये तकरीबन उस सानिया के 2 माह बाद जो है ये कंप्लीट कर ली गई थी रिपोर्ट। अभी इसके मजीद मंदरजात सामने आएंगे तो फिर अंदाजा होगा कि कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिसमें
براہ راست حکومت پنجاب پہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ اچھا انور، اور یہ جو ویب سائٹ پہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، مکمل ہے رپورٹ؟ جی بالکل، جو رپورٹ کمیشن نے جاری کی ہے، جسٹس باقر نجفی نے جاری کی ہے، وہ 132 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ حکومت پنجاب نے جو ہے وہ تمام کی تمام جاری کر دی ہے۔ ٹاؤن رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے۔ ہم نکات کیا تھے انور ہاشمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پبلک کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 14 جون 2014 کو یہ سانحہ کس طرح رونما ہوا اور وجہ آخر کیا تھی، اس پر ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 17 جون 2014، لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں حکومتی اہلکار تحریک منہاج القرآن کے اطراف تجاوزات ہٹانے پہنچے اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لاٹھیاں چلی، پتھر برسائے گئے، خواتین، بچوں اور نوجوانوں سمیت کوئی تشدد کا نشانہ بنا تو کوئی گولیوں کا۔ تجاوزات پر بلڈوزر تو چل گیا، بیریئرز بھی ہٹا دیے گئے، لیکن 14 افراد جان سے چلے گئے۔ تمام تر ہنگامہ آرائی کے دوران 90 سے زائد افراد زخمی ہوئے اور املاک کے نقصان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ماڈل ٹاؤن واقعے کو 3 سال بیت چکے ہیں، لیکن سوائے گلو بٹ کے اس واقعے کے کسی ذمہ دار کو سزا مل سکی، نہ ہی اب تک تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لائی جا سکی ہے۔ جی، ترمان